51. फिल्म में 800 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट का क्या है काम? यश की कौन सी फिल्म के कारण वो बने केजीएफ के सिकंदर? केजीएफ को किन किन चुनौतियों का करना पड़ा सामना? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। लालच बुरी बला है, ये कहावत आप सभी ने एक ना एक बार तो जरूर सुनी होगी और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखी भी होगी। वो कहते हैं ना, जैसा कर्मा करोगे वैसा भोगोगे। इसी की सीख और सबक के साथ हुआ था केजीएफ चैप्टर 1 का अंत। गरुड़ा की मौत इस बात का एक बहुत ही वर्चुअल एग्जाम्पल था कि किसी भी चीज की जब आती है तो उसकी समझ लो अंत नजदीक है। आज हम आपको बताते हैं कि इस बेहतरीन मास्टरपीस को बनाने के लिए मेकर्स ने किन किन चुनौतियों का सामना करा, जिसमें सबसे पहले तो फिल्म की लोकेशन पर मेकर्स को करनी पड़ी बहुत ज्यादा मेहनत। बिल्कुल इसी तरह प्रशांत की भी केजीएफ रूपी खिचड़ी को पकने से अलग ही इसके आइडिया मात्र को अच्छे से लिखने के लिए 3 साल से ज्यादा लगे, जिसमें से 800 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट ने फिल्म को एक बेहतरीन लुक देने का काम किया। केजीएफ एक बहुत ही बड़े स्केल पर बनने वाली फिल्म है, जिसमें इसके पहले पार्ट के कन्नड़ वर्जन में तमन्ना ने आइटम सॉन्ग किया, साथ ही हिंदी डब वर्जन में मौनी रॉय ने 4 चांद लगा दी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म गूगली में यश की बेहतरीन परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर प्रशांत नील ने अपनी कहानी लिखते वक्त इसको डिसाइड कर लिया था कि उनके इस जाली फ्रेंचाइज को वो यश के द्वारा ही आगे लेकर जाना चाहते हैं। और उनका ये चुनाव तो दुनिया भर में राज कर बैठा, जहां प्रशांत नील ने अंडरवर्ल्ड में खुद को विलन और हीरो के मर्जर के साथ केजीएफ को एक अलग पहचान दी। उधर साथ ही प्रशांत नील ने इस कहानी को लिखने मात्र से पहले पूरे 1.5 साल रिसर्च करी थी, तब जाके उन्होंने इस केजीएफ नाम के इस वंडर की नींव रखी, जिसकी जड़ केवल एक इंडस्ट्री में नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल चुकी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अलविदा।